तो सभी को मैं नमस्कार। आज हम करने वाले बेस्ट बाइसेप वर्कआउट जो कि होने वाले सारी एडवांस लेवल की, जो कि एडवांस लेवल के एथलीट करते हैं। तो बाइसेप सबको बड़ा चाहिए, तो उसके लिए एडवांस लेवल की जो कुछ वर्कआउट है जो आपकी बाइसेप को बहुत अच्छा और ह्यूज लुक देने में हेल्प करेगी, ठीक है। तो फर्स्ट वर्कआउट है अपना बारबेल पे। आपके पास अगर फिक्स बारबेल होगा तो फिक्स बारबेल ले सकते हो, वरना आप प्लेट को ऐड कर लो, ठीक है। तो मैं 15 kg का ले रहा हूँ क्योंकि मेरा बाइसेप वर्कआउट हो चुका है इसकी वजह से, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ग्रिप कर लेना आपके शोल्डर लेवल के विड्थ के हिसाब से। उसके बाद इसमें एडवांस लेवल का क्या टेक्निक है, इसमें क्या, पहले आपको 7 रैप 1.5 मारना है, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब जैसे याद होगा फिर अप, फिर ये पे आधा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब जैसे 7 पूरा हुआ, फुल रेंज ऑफ मोशन ना, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ओह देखो, 15 kg का लेके मार तो इतना हैवी लग रहा है। तो एडवांस लेवल का ये जो भी है वर्कआउट है, ये ट्राई करो, मेरी गारंटी आके बाइसेप को मेरा पंप ऐसा आएगा ना तो उतरेगा नहीं पंप, इतना मस्त पंप आने वाला है। तो हो गया पहला वर्कआउट एडवांस लेवल का। तो सेकंड वर्कआउट कौन सा होने वाला है, तो अभी मेरा क्या हाथ पंप पंप है, इसके वजह से मेरा हाथ दुख रहा, तो मैं आपको 5 kg से बता रहा हूँ, आप दूसरा भी यूज कर सकते हैं। तेरी मोए मोए हो गया, तो चले। इसके बाद बेंच लेना है आपके जिम में, कोई भी बेंच होगा, ठीक है। फिर क्या करना है आपको, इसको अप करना है, सेकंड वाले को भी आप। तो जब आप नीचे लेके जाओगे हाथ को घुमा के फिर नीचे, ठीक है, फिर आप इसको घुमा के नीचे, फिर आप इसको घुमा के नीचे, फिर सेम को हाथ को अप लाना है, फिर सेकंड वाले को घुमाना है, नीचे लेके आना है, फिर ये। तो ये क्या, जैसे कि आप अगर बाइस ये हो गया बाइसेप, जब आप हाथ को घुमाओगे नीचे जाओगे तो आपका ये जो है फोर आर्म्स भी आ जाएगा ऊपर वाला, और ये बाइसेप भी आएगा, तो दोनों से एंगेज होता है ये भी। आपको जितना भी मैं बताऊंगा सबको मानना है 4 सेट, और एक सेट में मैक्सिमम आपको 12 से 13 रैप मानना है। ऐसा तो फेलियर बोलता हूँ, लेकिन आपको इसमें 12 से 13 रैप मानना है, ज़्यादा नहीं। अभी क्या है, सबका बाइसेप का जो फ्रंट वाला पार्ट है ये तो आ गया है, अभी साइड वाले के लिए भी चाहिए। ऐसे अगर मैं सामने से खड़ा होता हूँ तो भले इधर से छोटा लगे, लेकिन अगर इधर से खड़ा हो तो मेरा हाथ क्या है बड़ा लगना चाहिए, ठीक है। उसके लिए एक एक्सरसाइज होती है, वो हैमर कल। हैमर कल आपको ऐसे देखो, ये हो गया स्टैंडर्ड पोजीशन में, आपका घुटना हल्का सा बैंड रहेगा ताकि आपको सपोर्ट ना मिले। उसके बाद आपका एक हाथ अप, दूसरा अप, फिर एक को नीचे लेके आके दूसरा अप, फिर इसको लेके सेकंड अप, नीचे आएगा अप। जब ये दोनों हो जाएगा, इसे आप 7 रैप मारोगे, इसे आप 7 रैप मारोगे, उसके बाद फिर दोनों साथ में ऐसे करके इससे भी 7 रैप मारना है। याद रहे जो भी मैं आपको बता रहा हूँ सबका सबके एडवांस लेवल का है ये। आप ज़्यादा हैवी करने जाओगे तो ज़्यादा वर्कआउट आप कर नहीं पाओगे जितना आपको करना है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप लो वेट पे जाइए, लेकिन पोस्टर एकदम करेक्ट होना चाहिए आपका, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक लास्ट वर्कआउट है, लास्ट बोलो तो लास्ट सेकेंड, आपको दो और बता देता हूँ, ठीक है। तो आपको करना क्या है, डंबल ले लेना कोई भी, उसके बाद बैठ जाओ सीट पे, आपकी सीट भी कोई जैसी भी सीट हो। उसके बाद हाथ को ऐसे रख के फिर अप लेके जाना है, अप लेके बाद हैमर की पोजीशन में, फिर नीचे, फिर सेम उसको इधर ही रखना, हैमर की पोजीशन में रखना है, अप घुमाओ हैमर की पोजीशन में नीचे, फिर घुमाओ अप हैमर की पोजीशन में नीचे, अप हैमर की पोजीशन में नीचे। तो कुछ इस तरीके से आपको ये वर्कआउट परफॉर्म करना है। अब इस पर क्या, जैसे कि आपने ये वाला बाइसेप मारा फ्रंट वाला, ये मारा, अब जब ये मारोगे तो आपका ये और ये दोनों हल्के से दोनों ट्रेन हो जाएगा, तो क्या ओवरऑल आपका बाइसेप पूरा ट्रेन होने वाला है। तो इसके बाद जो लास्ट वर्कआउट है जो कि आपके इनर बाइसेप के लिए, इनर बाइसेप के लिए, देखो सबके जिम में क्या है, फीचर कॉल होगा फ्री वेट वाला, और अगर और मशीन वाला, अगर मशीन वाला नहीं होता फ्री वेट मार सकते हो, ठीक है। तो
थ्री वेरिएशन मानने गए। सबसे पहले देखो एडवांस लेवल का मैंने आपको बोला था, एडवांस में ही बताऊंगा, ये मेरी गारंटी है। तो सबसे पहले आपको पास में ग्रिप करना है, हल्का दूर ग्रिप करना है, और हाथ जो है अंदर की साइड, आपको बाइसेप जो है अंदर की साइड फेस करेगा, ठीक है। अंदर की साइड जो है आपका बाइसेप ऐसे फेस करने वाला है। फिर यहाँ से इतना बस, ज़्यादा अप नहीं जाना है, ठीक है, यहाँ तक नहीं जाना है। नॉर्मली क्या करना है, इतना लेना है, होल्ड करना है 3 सेकेंड, फिर अप, फिर 2 सेकेंड स्क्वीज करो बाइसेप को, फिर नीचे, समझ में। या फिर 2 सेकेंड होल्ड, ताकि बाइसेप पे जो बाइसेप है आपके बाइसेप पे टेंशन बनी रहे, और जब ऊपर आके स्क्वीज करोगे तो बाइसेप और फटीक होगी, इसके वजह से मैं आपको ऐसा बता रहा हूँ, ठीक है। इसका मैं वही बता दिया कि किस लिए हम ऐसा एडवांस में आ गए, ठीक है। या फिर होल्ड, ताकि टेंशन बहुत ज़्यादा आ जाए आपके बाइसेप पे, और ऊपर करके एकदम टाइट, ठीक है। सेम होल्ड 2 सेकेंड, अप स्क्वीज, स्लोली छोड़ो। तो एडवांस लेवल का बाइसेप के लिए वर्कआउट ही है। अगर आपको फुल आर्म्स का चाहिए, तो आपका अगर चाहते हो आपका जो फुल आर्म्स है वो पूरा बड़ा दिखे, तो उसके लिए ट्राइसेप भी जरूरी है। तो बाइसेप के लिए तो मैं इतना बता देता हूँ, और ट्राइसेप के नेक्स्ट वीडियो में आपको ट्राइसेप बता दूंगा, क्योंकि जब आप पूरे आर्म्स मारो, आपके आर्म्स की साइज क्या है, तो ओवरऑल बड़ी दिखे, 16 का डोला दिखे, ठीक है। तो बस आज के लिए वीडियो इतना ही। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो दोबारा आना।